हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इन्वेस्टमेंट चैनल पे। और मैं हूँ आप सबका दोस्त सीए शॉन। फ्रेंड्स, हम आज एक ऐसे शेयर के बारे में बात करेंगे जिससे आप फूड डिलीवरी और भी ऑर्डर करते हैं और जिसपे मेम्स भी सबसे ज्यादा बन रहे हैं कि जोमेटो टोमेटो से भी सस्ता हो गया। हाँ, और टोमेटो है 70 रुपए केजी और जोमेटो का एक शेयर है 62 रुपीज। आइए इस शेयर के बारे में डिटेल में बात करें। फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप कोई नेगेटिव राय है जोमेटो को लेके तो आप इस वीडियो को पहले पूरा देख लें और फिर अपनी राय आपकी चेंज होती है तो चेंज कर सकते हैं आप, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई अपनी अपनी राय रख सकता है। फ्रेंड्स, ये शेयर अभी 62 रुपीज चल रहा है और मैं इसके लॉसेस बता देता हूँ। इसका जो रेवेन्यू मार्च 2022 के अंदर आया है, सारे फिगर इन करोड़ है, वो 1161 करोड़ का था। एक्सपेंसिस 1419 करोड़ के थे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 404 करोड़ का लॉस था। फिर टैक्स वजह की वजह से इन्हें कुछ छूट वगैरह मिल गई। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैं नेट प्रॉफिट पाया था वो 293 करोड़ का था। इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन होती है फ्रेंड्स, वो आप प्रॉफिट से तो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन ये लिस्ट हुए थे उसी दिन हम लोगों को पता था कि ये कंपनी प्रॉफिट में तो अभी नहीं आने वाली है। और आईपीओ प्रोस्पेक्टस के अंदर भी लिखा था 2025 और 2026 तक ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, बट अभी तक तो नहीं लगता है कि 25-26 तक आएंगी। तो ये शेयर 60 रुपए भी क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि इसने मार्केट की एक ऐसी जरूरत को पूरा किया है जो सच में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? आप लोगों को फूड लेना जाना पड़ता था, हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, लंच में प्रॉब्लम होती थी, कोई गेस्ट आए हुए हैं तो ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसने मार्केट की एक जरूरत को तो पूरा किया है जो कि एक्चुअल के अंदर एक प्रॉब्लम थी। और जब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आती रही और जब भी ये कंपनी इतनी बड़ी हुई, इसने अपना नाम बनाया, सॉफ्टवेयर पे पैसे खर्चे, इतने सारे डिलीवरी बॉयज इनके साथ जुड़े हुए हैं और जब भी ये लिस्टेड भी हुई है, बट अगर ये इतना ज्यादा लॉस कर रही है और कुछ फ्रेंड्स ने आईपीओ के टाइम जब ये 140 रुपीज आ गया था, जब भी अगर नहीं बेचा है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अब ऐसे शेयर के अंदर डील कैसे किया जाए? क्योंकि इस शेयर ने बाजार की जरूरत को पूरा करी है और ये शेयर अभी 60 रुपए का मिल रहा है और अगर ये 100, 150, 200 हो जाता है तो जब कोई हर कोई बोलेगा कि हमें तो पता ही नहीं था, हम भी खरीद लेते। तो ऐसे शेयर को डील करने के लिए हमें स्ट्रेटेजी अपनानी गई है। तो आप अपने पोर्टफोलियो के 8% फ्रेंड, बहुत ये साइंटिफिकली मैंने एक फिगर निकाली है, 8% आप ऐसे पेटीएम के अंदर, जोमेटो के अंदर, हाँ पेटीएम सही सुना, पेटीएम ही बोला मैंने, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार के अंदर, जोमेटो के अंदर, नायगा के अंदर आप अपने जितना भी पोर्टफोलियो उसका 8% डाल सकते हैं। फ्रेंड, मैं भी यही स्ट्रेटेजी यूज कर रहा हूँ। 8% का अगर 6% हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड, अगर ये शेयर बढ़ेंगे तो आपको भी पता है 100% 500% रिटर्न्स स्टार्टअप के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इनका कंपटीशन नहीं है। अभी स्विगी, स्विगी भी थोड़ी टाइम बाद आईपीओ आएगा। अगर ये कंपनी इतनी खराब है नहीं तो फिर स्विगी आईपीओ ला ही नहीं पाएगी, आईपीओ तो स्विगी कभी कभी आएगा ही। तो आप इन शेयर्स को डील करने के लिए एक ही स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं कि अपने जो भी आपका कॉर्पस है, आपका पोर्टफोलियो है, उसका 8% इन शेयर्स के अंदर डाल सकते हैं जो न्यू एज स्टार्टअप भी बोलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।